Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing well. मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने कहा क्यों ना आज व्लॉग ना लिया जाए. बारिश भी हो रही है लेकिन बारिश ऐसा सच इतनी तेज़ नहीं हो रही, अब तो रुक चुकी है बारिश टोटली. आज डे बहुत अच्छा है, गर्मी है लेकिन बारिश हो रही है लेकिन मौसम अच्छा हो गया. आज गर्ल्स डे आउट भी था, हमने बाहर भी जाना था तो सोचा व्लॉग ही बना लिया जाए, तो इसलिए मैं बना रही हूँ व्लॉग. और साथ में बारिश भी हो गई. ये दिखा चाहिए हमारा नीचे वाला गार्डन जो कि फुल ऑफ प्लांट्स है, कुछ नज़र नहीं आता. और आगे अब बारिश रुक चुकी है, टोटली रुक चुकी है. दूसरी तरफ दिखाती हूँ आपको. आके बैठी हुई थी इधर. अभी हमारा टाउन बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन चलो. हमारे ये जो पौधे हैं ये सारे सूख गए हैं, सिर्फ ये एक जो बेल है ये बची हुई है ऊपर, और बकाया ऊपर सारे जो प्लांट्स हैं वो सूख गए हैं. लेकिन इनमें ये कुछ इस टाइप के कुछ आ रहा है, अब मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का पौधा है, लेकिन और सारे खाली हो चुके हैं. बारिश रुक चुकी है तो अब हम नीचे चलते हैं. नीचे जाकर फ्राइज़ बनाने का मूड हो रहा है, फ्राइज़ बना के फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करें आप नेक्स्ट. तो आप नीचे चलते हैं, नीचे जाके देखते हैं क्या सीन है किचन में और जाके फ्राइज़ बनाते हैं. तो फटाफट से ये फ्राइज़ बना लिए और खा लिए. इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने बाहर जाना है तो मैं तैयार होना स्टार्ट हो गई. मैं बाहर जाते हुए बाया पहनती हूँ क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा सिक्योर फील करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है बाया पहनना. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तैयार होने के बाद हम घर से निकले और बाहर हर जगह कीचड़ ही कीचड़ था ड्यू टू बारिश. लेकिन खैर अल्लाह ताला का शुक्र है कि बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया, ये एक ब्लेसिंग है. इसके बाद फिर हमने जाना था पोस्ट ऑफिस. तो ये अब हम आ गए पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस हमें इतनी देर भी नहीं लगी क्योंकि हमारा इतना काम नहीं था. और इसकी एक और वजह ये भी थी कि वी आर लेडीज, अब ये हम अपना काम वगैरह करके हम बाहर आ रहे हैं. तो मैंने कहा कि आपको इसका गार्डन दिखा दूं जो कि खिलाफ़ तवक्को बहुत साफ़ था. देन इसके बाद हमें जाना था पेट्रोल पंप क्योंकि हमारी गाड़ी चल रही थी रिज़र्व पर. जैसे ही हम पेट्रोल पंप एंटर हुए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, एक दफ़ा तो हमें ऐसे लगा जैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं. और हमें था कि अभी हमने आगे भी जाना है तो हमें यहाँ पर काफ़ी टाइम ना लग जाए. लेकिन खैर अंदर जाके हमें पता चला कि ये किसी और वजह से यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, प्राइसेस नहीं बढ़ी. लेकिन फिर भी प्राइसेस अभी भी स्टिल हाई थी, 231. गवर्नमेंट कुछ तो ख्याल करो और पेट्रोल की प्राइसेस को कम करो, कुछ बेचारे लोगों का भी सोचो. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लाइन बहुत लंबी थी और डर था कि हमें रात हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें रात होगी. इसके बाद हमने लेना था शूज़, तो हम गए इंसिग्निया पर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर लिविंग इन सरगोधा तो आप कभी इंसिग्निया पर मत जाओ क्योंकि इनके 3-4 महीने वाले आर्टिकल्स स्टिल पड़े हुए हैं. इससे ज़्यादा अच्छे और इनके न्यू आर्टिकल्स तो ऑनलाइन पड़े हुए हैं. आप प्रेफर करें कि आप ऑनलाइन बाय कर लें, लेकिन इनकी शॉप पे आप बिल्कुल भी मत आएँ क्योंकि सब पुराना पड़ा हुआ है.
वन हमारे डाइनर्स पर, क्योंकि लास्ट वीक की डाइनर्स की यहाँ पर न्यू आउटलेट ओपन हुई और यहाँ पर ऑफ भी लगा हुआ था और ऑफ लगी हो और वह हम अवेल ना करें, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी आउटलेट काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। यहाँ पर आपकी बहन अपने आप को दिखाते हुए शोखियाँ मारते हुए कि ये देखिए कि अबाया में मैं इस तरह की दिखती हूँ, जो कि मैं आपको उस टाइम दिखाना भूल गई थी कि मैं अबाया पहन के कैसे लगता है मुझे। बहुत कुछ देखने के बाद हमने यहाँ से एक बैग ले ही लिया और अला करके शॉप से हम निकले। इन सदियों से तो हमें कुछ भी नहीं मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली इधर से भी हमें कुछ भी नहीं मिला, तो हमने जो अपना शूज़ था वो इंडोर से लिया। लास्ट पर फिर हमारे इम्तियाज़, क्योंकि ये हमारी फेवरेट जगह है जहाँ से अपने घर की ग्रॉसरी करते हैं, और इसलिए भी कि ये हमारे घर के बहुत करीब पड़ता है, इसलिए हम हफ्ते में दो दफ़ा तो इम्तियाज़ पाए जाते हैं। इसके बाद हमने सारी ग्रॉसरी वगैरह की, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि हर दफ़ा ग्रॉसरी करके दिखाना इज़ नॉट सच इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हमने बिलिंग करवाई, देन हम जल्दी से घर चले गए और जाकर हमने फ़ौरन टीवी ऑन किया, क्योंकि कोर्ट की तरफ से डिसीजन आना था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसला किया गया था वो कल अदम था, और शुक्र अल्लाह ताला का वैसे ही हुआ और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत आ गई। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए और जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर अल्लाह ताला उसको लेकर आए, आमीन। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।